प्रदक्षिणा जो होती है। कुल मिला के 26 पिलर है। ये हारमोनिका है, पीपल का पेड़ होता है, सूर्य प्रकाश लेनी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि इस लेनी में बैठने के लिए जहाँ पे जगह है, जगह जगह पे बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है और जगह जगह पे पीने का पानी यहाँ पे उपलब्ध किया गया है। जैसे कि हम दूसरे केव्स में देखते हैं उसी प्रकार से ये जो केव्स है और एक गुफा है, इसके अंदर हम जाते हैं तो ये कुछ काम अधूरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। क्यों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी आता है पत्थर के अंदर से, तो पहाड़ी का अंदर का पानी जो है उससे रास्ता बना के इस बिल बना के वहाँ से बाहर निकल गया है। ये है विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए इस विहार में कुल मिला के कई सेल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। आप देख सकते हो अति सुंदर है ये। जैसे ही हम भीतर जाते हैं तो राइट और लेफ्ट और सामने की ओर आपको जो है सेल्स या मेडिटेशन रूम या रेस्ट रूम कहा जा सकता है, जिसके अंदर शयन आसन भी मौजूद है। आप देख सकते हो इस पहाड़ी के ऊपर इस गुफाओं से कितना ये सुंदर ऐसा नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है। बहुत ही अप्रतिम, बहुत ही सुंदर ऐसा नज़ारा यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद मन बहुत ही प्रसन्न और शांत हो जाता है। यहाँ पे जो है हम जो मेन विहार है जहाँ पे भिक्षुगण यहाँ पे निवास करते थे, यही वो जगह है। तो इस जगह के बारे में हम जानकारी लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से इस गुफा को बनाया गया है। तो ओवरऑल ये जो टोटल गुफा जो यहाँ पे बनाई गई है तो एक पत्थर में पूरा बनाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे जो है सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि रहने के लिए रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे भिक्षुगण को रहने के लिए या सोने के लिए या बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो प्रथम जो सेल है या लेनी का जो प्रथम जो रूम है इस विहारा का, ये टूट चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर दरवाज़ा था, अंदर आप देख सकते हैं कि शयन आसन भी यहाँ पर है। ये तो ये टूट चुका है, यहाँ से समय के हिसाब से यहाँ पे टूट चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो काली से पिंपल आकृति जो है यहाँ ऊपर देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम वेरे नेक्स्ट जो रूम है यहाँ पे आते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैठने के लिए सोने के लिए यहाँ पे जगह है। आप देख सकते हो ये देखिए यहाँ पे जो कि जो भिक्षुगण थे उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी।